तो ये जो है ये है मेरे पास Corsair का उनका HS50 Pro। अब ये जो हेडफोन है ना ये मेरे पास कम से कम 2-2.5 या 3 महीने से पड़ा क्या मैं इसको यूज कर रहा हूँ, और यूज करते करते जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ ना वो इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। पहले अगर किसी को जाना है फटाफट वीडियो देख के तो मैं पहले बता देता हूँ, अगर किसी को लेना है ना, और ये अगर अभी अमेजोन पे सेल पे चल रहा है 3.5 या 4 तक का मिल रहा है, ले लो, कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। जो वीडियो नहीं देखना चाहते उनके लिए था, और बाकी जो देखना चाहते हैं डिटेल में इसके बीरोल्स वगैरह और अपनी बातें सुनना चाहते हैं उनके लिए आगे अपन बात करते हैं। तो ठीक है, तो भाई इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो HS50 से थोड़ी सी अपग्रेड है और इसके बारे में अपन बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो फटाफट चलते हैं इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। अब यार अपन लोग बात कर लेते हैं इस हेडफोन के कुछ की फीचर्स के बारे में, अच्छाई या बुराई सब चीज बताऊंगा, देखते रहना। तो अगर सबसे पहले बात करें तो ये एक स्टीरियो गेमिंग हेडफोन है, जिसको भी स्टीरियो गेमिंग हेडफोन लेना है वो ये वाला हेडफोन जरूर ट्राई कर सकता है। अब ये एक स्टीरियो गेमिंग हेडफोन है इसी वजह से जो है आपको इसमें एक स्प्लिटर देखने को मिलता है इसके बॉक्स में। अब उस स्प्लिटर में भी आपको 2 जैक निकले हुए मिल जाएंगे, एक तो होगा आपके माइक का जिसपे माइक बन रहा है और एक होगा हेडफोन का जिसपे हेडफोन बन रहा है। अगर आप इसको बिना स्प्लिटर के यूज करते हो तो आप सिर्फ हेडफोन से आउटपुट ले पाओगे, आप अपना जो माइक है वो यूज नहीं कर पाओगे। अगर माइक यूज करना है तो भाई आपको स्प्लिटर जो है वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्टीरियो हेडफोन है और इसमें आपको 3.5 mm का जैक मिलता है। इसी वजह से जो है ये मल्टीपल डिवाइसेस से जो है कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि Xbox One से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, अपना जो PlayStation है उससे कनेक्ट कर सकते हो, PC से कनेक्ट कर सकते हो, Mac से कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो, मतलब सारी चीज कनेक्ट कर सकते हो यार। और हाँ, अगर PS5 में आप यूज चाहते हो तो जो उसका कंट्रोलर है उसके नीचे ये जैक का ऑप्शन मिलेगा, उधर आपको ये कनेक्ट करना पड़ेगा और PS में जाके इसका जो आउटपुट है उधर से सेट करना पड़ेगा। तो यार इधर डालो चाहे उधर डालो, किसी भी डिवाइस में इसकी पिन आप डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए अपन बात कर लेते हैं इस हेडफोन के ड्राइवर्स के बारे में। अब जिन लोगों को पता नहीं कि ड्राइवर्स क्या होते हैं, तो ड्राइवर भाई ये जो अपना हेडफोन है ना इसमें जो स्पीकर यूज हुआ है उसको ड्राइवर बोलते हैं आज के टाइम में। अब जो HS50 था ना उसमें भी यही वाले सेम ड्राइवर्स यूज हुए थे, 50 mm के ऑडियो ड्राइवर, लेकिन ये जो हेडफोन है इसमें ये जो ड्राइवर्स है ना इनको कस्टम ट्यून्ड किया गया है, मतलब कस्टम ट्यूनिंग इनमें की गई है ताकि आपको जो ट्रिबल है और जो बेस है वो काफी एक बढ़िया उसमें आपको रिस्पॉन्स मिले आवाज में, मतलब आपको मजा आए सुनने में आवाज, जो फील होती है ना फील, वो फील आती है इस वाले हेडफोन में। इसमें जो कस्टम ट्यूनिंग की गई है ना उसका पता चलता है। तुम वैलोरेंट ले लो, चाहे पबजी ले लो, चाहे सब्जी ले लो, जितने गेम है सब में दूर दूर से जो है अपने दुश्मन की आवाज आ जाएगी। अब अगली जो बात आ जाती है ना वो आ जाती है कम्फर्टनेस की। अब ये कितने ज्यादा कम्फर्टेबल है, तो यार उसके लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये इतने ज्यादा कम्फर्टेबल है और इतने ज्यादा लाइट वेट है कि आप इनको 12 से 8 घंटे, मतलब 8 घंटे से 12 घंटे के बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मैं भी बैठता हूँ भाई, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और मेरे को ये यूज करते करते कम से कम 2 महीने तो कम से कम हो ही गए। एक पॉइंट तो इसका यही आ जाता है कि ये इतना लाइट वेट है, इसका जो वजन है ना वजन वो मात्र 320 ग्राम का, मतलब 320 ग्राम्स का। अगर वजन की बात कर रहे हो ना कि 320 ग्राम कितना हैवी है, तो भाई एक बार जाके तुम्हारे Cosmo 7.1 का चेक करो, रेड गियर वाले का, उसका वजन देख के और फिर इसके बारे में बात करना तुम। हाँ, उन लोगों को इसका वजन थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है जिनने Corsair का HS35 स्टीरियो है गेमिंग हेडफोन जो है वो ट्राई कर रखा है, क्योंकि वो थोड़ा सा और लाइट वेट पड़ जाता है, और उसकी बिल्ड क्वालिटी भी जो है वो थोड़ी सी लाइट वेट टाइप में ही बनाई गई है, क्योंकि वो ससुर का नाती 250 ग्राम का ही है बस, और ये भैंस की टांग 320 ग्राम का है, और तुम्हारा वो रेड गियर का Cosmo 7.1 वो 608 ग्राम का है, 608 ग्राम, मतलब आधी किलो से भी ज्यादा का वो हेडफोन है। तो यार कम्फर्टनेस के मामले में तो जो है एक पॉइंट ये ले जाता है। अब अगर अपन कम्फर्टनेस के सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें तो वो आ जाता है इसके ईयर कप्स, जो इसके ईयर कप्स है ना, ईयर कप्स नहीं पता भाई, चलो कोई बात नहीं मैं बताता हूँ। ईयर कप्स जो है ना वो जो आपके जो ये जो हेडफोन जब आप लगाओगे तो उस पे जो 2 ढक्कन लगे ना आपके कान के ऊपर, उनको ईयर कप्स बोलते हैं। चलो थोड़ा सा इतनी भी नहीं उतारते, जो ईयर कप्स है ना उनके ऊपर जो फोम यूज की गई है वो भी प्लस मेमोरी फोम है। अब ये प्लस मेमोरी फोम क्या होता है, अब यार समझ जाओ ना, मतलब बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबल है, तुमको ऐसा लगेगा मखमल के गद्दे लगा रखे तुमने कान के बगल में, बस ये है कि पसीना आएगा थोड़ा सा गर्मी में, थोड़ा
आप झेल नहीं पाओगे इनको। अब अपन बात कर लेते हैं इसके हेडबैंड के बारे में। हेडबैंड से मेरा मतलब लड़की वाला हेडफोन नहीं है, अपना जो हेडफोन है, हेडसेट है, उसका जो हेडबैंड है, अब उसका जो ऊपर का हिस्सा है ना, उधर भी जो है आपको एक कुशनिंग मिल जाती है जो कि स्टिच्ड पैटर्न में है। और ये जो है ना इसके ऊपर का हेडफोन का, ये देखने में बड़ा शानदार लगता है। तो अब इस हेडफोन की अगली चीज पे आ जाते हैं। अब इस हेडफोन के जो ईयर कप्स है ना, वो एडजस्टेबल है, ठीक है। उनकी जो हाइट है वो आप कम ज्यादा कर सकते हो, साथ ही साथ में वो जो ईयर कप्स है उनको आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हिला भी सकते हो, ठीक है। अगर अपन बात करें स्विवल होता है कि नहीं होता, तो वो हल्का हल्का सा इसमें दे रखा है, मतलब थोड़ा सा हिल जाता है लेकिन ज्यादा नहीं हिलता, मतलब पूरा 90 डिग्री नहीं जाता जैसे JBL वगैरह वाले में चला जाता है, मतलब कि आपको थोड़ा सा स्विवल देखने को मिल जाएगा, लिटिल बिट जिसको बोलते हैं ना वो वाला। अब यार जो इसका हेडबैंड है ना, जिसके अंदर अपन को वो क्रॉस स्टिच वाला पैटर्न मिलता है, उसके डायरेक्ट अपोजिट साइड, मतलब कि हेडबैंड के ऊपर की साइड जो कि एरिया विजिबल होता है दूसरे लोगों को, उस साइड में जो है आपको कॉर्सियर की ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अगर अपन इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, तो बिल्ड क्वालिटी भाई साहब एकदम सॉलिड है, रफ एंड टफ यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके ईयर कप्स है ना, उनपे जो ग्रिल है, जो अपना एक फ्रेम होता है जो ईयर कप को पकड़ के रखता है, तो वो जो फ्रेम है ना, वो भी एल्यूमिनियम का बना है और काफी ज्यादा हैवी बिल्ड है। जो बिल्ड क्वालिटी है वो रफ एंड टफ यूज के लिए एकदम सही है। आप लोगों को जैसा कि दिख रहा होगा, मैंने इसको इतना ज्यादा लंबा यूज किया है, मतलब दो महीने कम से कम यूज किया है, और मैं इसको यूं पटक देता था टेबल पे, तो टेबल पे जो पटक है ना, उसके निशान भी इस पे हो गए, मतलब निशान नहीं हुए, उसका जो कलर है, जो पेंट है उधर से, वो छूट चुका है। तो लंबे यूज में जो है आपका ये जो पेंट है ना, ये निकलना चालू हो जाएगा अगर आप ऐसे ही फेंक फेंक के इसको काम में लोगे। तो रफ एंड टफ यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार ये जो हेडफोन है, जब ये आपके पास पहली बार हाथ में आएगा ना, तो आपकी जो नजर है वो सिर्फ एक ही चीज पे जाएगी, जो इसके ईयर कप्स है ना, उनके साइड में जो वो पैटर्न दिया हुआ है ना, मतलब बार के साइड में जो पैटर्न दिया है, इतना मतलब क्या ही बोले, क्या है फील उसकी यार, फील बड़ी गजब है। उस पे हाथ लगा के जब आप उस हाथ को ऐसे फेरोगे ना, अलग सा ही माहौल बन जाएगा। अब उस पैटर्न के ऊपर भी जो है एक कमाल की चीज दे रखी है, मतलब दूध के साथ जलेबी दे दी, वो भी फ्री में। अब वो जो बाहर का पैटर्न है ना, उसके ऊपर जो है आपको कॉर्सियर का लोगो मिल जाता है, जो कि एल्यूमिनियम ब्रश्ड फिनिश में आपको चमकता हुआ दिखता है। और मेरी बात मानो यार, वो जो फिनिशिंग है ना उस लोगो की, वो अलग सी फील देती है भाई। और हाँ, अब अगर कुछ लास्ट चीजों के बारे में बात करें, तो वो है इसका जो माइक है ना, वो डिटैचेबल माइक है, मतलब कि वो जो माइक है उसमें 3.5 mm का जैक है, जो कि आपके लेफ्ट साइड वाला जो आपका ईयर कप है उसमें अटैच हो जाता है। और अगर आपको वो माइक यूज नहीं करना, उसको हटा के रखना है, आप कोई मेरी तरह कंडेंसर माइक यूज कर रहे हो अपने पीसी में और आपको वो माइक हटा के रखना है, तो उसके लिए आपको जो है एक ढक्कन भी दिया जाता है, मतलब कि एक रबर की जो है कैप दी जाती है उस माइक के होल को फिल करने के लिए, ताकि उसमें कोई मिट्टी विट्टी और आपके जाना पाए ऐसे डस्ट वगैरह। अब यार इस माइक का ऑडियो सैंपल भी मैं आपको सुनाऊंगा, एडिटेड वॉइस और नॉन एडिटेड वॉइस दोनों। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं, जो इसका जो लेफ्ट वाला ईयर कप है ना, मतलब ईयर कप जो है अपने हेडफोन का लेफ्ट वाला, उस पे ही आपको जो आपके सारे कंट्रोल्स है ना वो मिल जाते हैं, जैसे कि एक वॉल्यूम का स्लाइडर मिल जाता है, जिसको आप ऊपर या नीचे करोगे तो वॉल्यूम कम ज्यादा होगी। साथ में एक बटन मिल जाता है जो कि आपके माइक को म्यूट कर देता है। अगर आपने वो माइक डिटैच नहीं कर रखा और आप नहीं चाहते कि आपकी आवाज जाए, तो आप उस बटन को दबाओ, आपका जो माइक है वो बंद हो जाएगा, मतलब कि म्यूट हो जाएगा। तो भाई माइक म्यूट होने के बाद तुम कुछ भी हरकत करो, अगले आदमी के पास जो कि तुम्हारे गेम में तुम्हारा टीममेट है, उसके पास तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी। और जो केबल है ना इस हेडफोन की, वो भी आपको लेफ्ट साइड में मिल जाती है। तो जो केबल है वो, जो माइक का बटन है, जो म्यूट करने का बटन है माइक का वो, और जो वॉल्यूम का स्लाइडर है वो भी आपको, ये तीनों चीजें जो है लेफ्ट साइड में मिल जाती है। माइक का टेस्ट चालू होने से पहले एक चीज और बता देता हूँ, जो ये जो केबल है ना, ये थोड़ी सी पतली पड़ जाती है और ये ब्रेडेड केबल नहीं है। तो जो केबल है ना, वो अगर कोई चूहा हुआ कुतर देता है ना, तो आपको दिक्कत होने वाली है, बाकी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेडेड होती तो भी ठीक होता, या फिर थोड़ी सी मोटी होती ना तो ज्यादा बेटर होता, ब्रेडेड में अब मेरे को इतना मजा नहीं आता। केबल का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हेडफोन को चाहे तुम फिर फेंक फेंक के मारो। अब आप लोग जो अगली साउंड सुनने वाले हो ना, वो होगी इस हेडफोन के माइक की। तो यार ये जो ऑडियो है, ये रिकॉर्ड हो रही है ऑडासिटी के अंदर। अब ऑडासिटी के अंदर रिकॉर्ड हो रही है, तो देख लो आप कैसी आवाज आ रही है। अभी ये जो सैंपल है ये एकदम रॉ होने वाला है, और पीछे जो है झिंगर विंगर बोल रहा है उसकी बताना, इसका नॉइस कैंसिलेशन जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि पीछे झिंगर बोल रहा है। तो फिर देखते हैं, कुछ डायलॉगबाजी करते हैं। ये जो नए लॉन्डो के साथ तू फोटो खिंचवा रही है, ये मुझे जला रही है या अपनी औकात दिखा रही है? अब ये वाला जो सैंपल है, ये इसका जो पॉप फिल्टर छोटा सा दिया है, वो टुपल्ली दिए उसको लगाने के बाद है। ये जो नए नए लॉन्डो के साथ तू फोटो खिंचा रही है,
ये मुझे जला रही है या अपनी औकात दिखा रही है? ये जो नए नए लौंडों के साथ तू फोटो खिंचवा रही है, ये मुझे जला रही है या अपनी औकात दिखा रही है? अब ये वाला जो सैंपल है, ये इसका जो पॉप फिल्टर छोटा सा दिया है वो टुपल्ली दिए उसको लगाने के बाद है। ये जो नए नए लौंडों के साथ तू फोटो खिंचा रही है, ये मुझे जला रही है या अपनी औकात दिखा रही है? क्रेडिट्स देना मैं नहीं भूलूंगा। ये जो पोएट्री है आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, और इसके जो क्रेडिट्स है वो जाते हैं द नो मोर पोएट्री को। उनका यूट्यूब पे चैनल भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ऐसी बहुत रील मिल जाएगी, जाके देखो, मजा आएगा, मतलब बता रहा हूँ। अब यार मैं अगर इस हेडफोन की अच्छाइयाँ और बुराइयों के बारे में बात करूँ तो यार मेरे को जो अच्छाइयाँ लगी वो ये लगी कि एक तो इसका जो माइक है ना वो डिटेचेबल है, तो अगर मैं कंडेंसर माइक यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को वो जो माइक है वो लगाने की इधर ज़रूरत नहीं है, उसको हटा के मैं किधर भी पटक सकता हूँ, ठीक है ना। और जो सेकंड चीज़ है ना वो इसकी कम्फर्टनेस, मतलब जो ये जो हेडफोन है ये इतना लाइट वेट है, इसको मैं 8 से 12 घंटे यूज़ कर लेता हूँ और मेरे को सर पे वजन जो है ना वो महसूस नहीं होता है, तो ये जो है ना ये सबसे बड़ी बात है इस हेडफोन की। और जो बुराई है ना वो यार एक मेरे को ये लगी कि ये जो केबल है ना इसकी, ये केबल अगर थोड़ी सी मोटी हो जाती तो क्या चला जाता भाई कॉर्सेयर वालों, इसको या तो मोटी कर देते या ब्रेडेड कर देते। ब्रेडेड तो छोड़ो यार, मोटी कर दो यार इस केबल को, मेरी मानो तो यार, अगर कोई देख रहा है कॉर्सेयर में से तो ये केबल थोड़ी सी इसकी जो थिकनेस है ना वो बढ़ा दो यार, मतलब कमी खत्म हो जाएगी तुम्हारे हेडफोन में से। और जो दूसरी बुराई है वो ये है कि इसका जो प्राइस है ना वो काफी ज्यादा हाई रहता है। अभी फिर भी अमेजोन की सेल में अगर 3,500 का आया था उस टाइम पे काफी अच्छी चॉइस थी, और मैं तो रो रहा था भाई बैठ के, क्योंकि मैंने खुद ने ये जो 4,700 4,800 का खरीदा था, तो सोचो यार मेरे को कैसी फीलिंग हो रही होगी, अभी बताते हुए अभी रोना आ रहा है यार मेरे को। तो यार कॉर्सेयर वालों 4,000 तक लिया हुआ यार खींच के इसको, तो भाई जिनने महंगा खरीदा है उनको भी दुख ना हो कि भाई अब चलो स्टेबल हो गई प्राइस, अगले के साथ किसी अगले आदमी के साथ ऐसा ऐप नहीं होने वाला दोबारा। और यार मैं ये कहूंगा कि भाई थोड़ा सा सेल का वेट करो, ये होता रहता है भाई, 3,500 का 4 का होता रहता है। 3,500 या 4,000 में लेना एकदम वर्थ इट है इस वाले हेडफोन को। अगर थोड़ा सा पैसा ज्यादा डाल सकते हो ना इस हेडफोन को ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम रफ एंड टफ यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा केबल का ध्यान रखना। ये मेरे कुछ लास्ट शब्द है इस हेडफोन के लिए। तो यार आई होप कि आप लोगों को ये जो HS50 Pro है Corsair का ये पसंद आया होगा, क्योंकि मेरे को भी बहुत अच्छा लगा ये। और अगर कोई लेना चाहता है ना ले लो, थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है लेकिन यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यार एकदम रफ एंड टफ चीज़ है और यूज़ करने में एकदम धासु चलता है, ठीक है। तो कोई ले रहा है तो ले लो, इसको डब्बा है तो खाली इसको इधर पटक देते। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अंत तक मेरी बकर बकर सुनने के लिए धन्यवाद।